मगर मैं हरगिज ऐसा नहीं करती, क्योंकि फिक्रों सुबह के इस इबाद में चंद धीमी धीमी सी सरगोशियों ने मेरे जहन को, मेरी सोच को, मेरे जज्बात को और सबसे बढ़कर मेरे अल्फाज को जिला बख्शी है और मुझे इस सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम आजाद हैं। मैंने देखी है हर एक खून की आंखें पूर्णम, मैंने देखी है हर एक खून की आंखें पूर्णम, लेकिन जनाबे वाला गीतों में इस निगाह बढ़ाओ तो कहीं हवस की नारे भागी लग जाती है, तो कहीं तासुर की झुलसा देने वाली आग के मीनारे, कहीं आहों के अनिलाज कारे तो कहीं आंखों में भड़क के अंगारे, कहीं हर बात सी भी ताने हैं तो कहीं बेकसो लाचार बिचारे, कहीं जलजला जलगान है तो कहीं सैलाब घिरे गम के मारे। जब रोज की स्टेगी में ठोकरे खाते हुए नहीं हंसने, पुकार पुकार कर कह रहे हैं हम आजाद नहीं हैं, हम आजाद नहीं हैं। आने जब हमारे अबाउ उस्ताद की कुछ बातों से हमारा वतन अजीज पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को इस दुनिया के नक्शे पर उभर आया, तो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बटेरों, जागीरदारों, टैक्स चोर सरमायादारों, खुदगर्ज सियासतदानों, मुल्क के ठेकेदारों और मस्जिद के ठेकेदारों यानी बैरूनी साजिशों ने उस मुल्क की जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया। आली बकार ये जुल्म सहेंगे हम कब तक, क्यों जीना यहाँ आसान नहीं, ये जुल्म सहेंगे हम कब तक, क्यों जीना यहाँ आसान नहीं, जो ख्वाब चला तो आंखों का ये वो तो पाकिस्तान नहीं, ये वो तो पाकिस्तान नहीं। आली बकार आज आजादी के 71 साल बाद भी हमारा मुल्क पाकिस्तान सही मायने में आजाद नहीं हो सका, अगर इस मुल्क में आजाद है लेकिन सदर आली वकार जिस आजादी की हम बात कर रहे हैं शायद वो आजादी सिर्फ दहशत गर्दों को हासिल है, जब जहां जिसको दिल चाहता है मार देते हैं और बड़ी आजादी से मीडिया पर आकर कहते हैं कि हाँ हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं, और जवाब में हमारे सियासतदान वक्त मुजम्मत में मुजम्मत करते नजर आते हैं। अरे कौन सी आजादी जिस मुल्क में हर दिन बर्बादी के साए हो और मुल्क के हर कोने में मैं खुद को कैसे आजाद हूँ। हमारे नजर आ